हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैंने आपको एक और लेक्चर, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है एंड कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आएंगी और रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है वो क्लियर किया है। नाउ अब हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैं आपको इस बुक में से करवा रहा हूं जो अभी तक का लेटेस्ट एडिशन मेरे पास अवेलेबल है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में कोई और नंबर से दिया हुआ हो। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें तो ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सीताराम लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019। तो आप फाइंड आउट कीजिए, आपके बुक में मिल जाएगा बैलेंस शीट ऑफ सीताराम लिमिटेड। अब बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हुए हैं 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 2 लाख रुपीज एंड 2006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100। ये दोनों ही हमें दिए हुए। आगे देखते हैं रिजर्व्स में, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, कैपिटल रिजर्व है, इतने पॉइंट हमें दिए हुए। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीमेबल ऑन 1st April 2019 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए ऑन 1st April एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखें प्रेफरेंस शेयर्स है कितने, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इनको रिडीम करने हैं। फॉर दिस पर्पस द कंपनी सोल्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट ₹1,32,000। असेट्स में देखो इनके पास इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स हैं 1,20,000 के, जो इन्होंने 1,32,000 में सेल किए हैं। इसका मतलब प्रॉफिट के साथ इन्वेस्टमेंट सेल हुए हैं। एंड इश्यूड 1,008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 1,008% प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू किए हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है, तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होती है। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने हैं और उसके लिए न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं, बट रिडीम 2 लाख करने हैं और न्यू इश्यू 1 लाख ही किया है। द कंपनी इश्यूड 1 इक्विटी शेयर एज अ बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड। ये बोनस शेयर में जो हम पॉइंट करके आ रहे हैं, ये उसके जैसा ही सेम पॉइंट है। यहां पर बोनस दिया हुआ है कि बोनस कैसे देंगे, जो हमने इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स वाले चैप्टर में किया हुआ है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। नाउ आपको ये जो सम एग्जाम में करना है, ये जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। और जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आपको हेडिंग भी देनी है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में है, सीताराम लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019। ऐसी हेडिंग देनी है आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। दूसरा, जर्नल एंट्रीज कभी भी 11th से लेकर टीवाई बीकॉम तक विदाउट नरेशन नहीं होती। सो आपको नरेशंस भी लिखने हैं। नरेशन में आपको बीइंग लिखना है और जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड जो आपने किया है वो करना है। अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्लियरली दिया हुआ है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर आप मत कीजिएगा। नाउ सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री के लिए 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो 2 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एंट्री होगी 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री 6% रिडीमेबल, मैं शॉर्ट में लिखता हूं और जब भी कोई शॉर्ट में लिखूंगा डॉट लगा दूंगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना, फिर से बता रहा हूं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट करना है।
अमाउंट 2 लाख रुपीज। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ इन्हें 5% प्रीमियम भी देना है, तो एंट्री होगी रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5%। 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,10,000। अब आप लोग नोटबुक में एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ और मेरे साथ लिखते जाओ ये एंट्रीज। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये है फर्स्ट एंट्री। फिर नरेशन भी लिखना है आपको एग्जाम में। नाउ एंट्री नंबर 2। अब प्रेफरेंस शेयर्स को 2 लाख रुपीस विथ प्रीमियम रिडीम करने के लिए इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। कितने के थे? तो बैलेंस शीट में देखो 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट। और सेल कितने में किए हैं? तो सेल किए हैं 1,32,000 में। अब पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, पैसा 1,32,000। समझो इन्वेस्टमेंट्स में इनके पास शेयर्स थे या एफडी थी, जो भी था इन्होंने सेल किया है, तो पैसा आएगा। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट रुपीस 1,32,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,20,000 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने लिए थे वो 1,32,000 में सेल कर दिए, तो 12,000 रुपीस का इनको प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री ड्यू करते हैं, सेकंड एंट्री इन्वेस्टमेंट सेल किया है, तो इस एंट्री को हम कहेंगे ड्यू एंट्री और ये एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है इन्होंने। ठीक है। नाउ 2 लाख रुपीस रिफंड करने हैं, 2 लाख रुपीस रिटर्न करने हैं, उसके सामने 1,32,000 के इन्वेस्टमेंट सेल किए। आगे इन्होंने 1 लाख रुपीस के न्यू शेयर्स भी, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं 8 लाख रुपीस के। सो ये करेंगे हम एंट्री न्यू इश्यू की, न्यू इश्यू। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट रुपीस 1 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इन्होंने न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं। अब यहां पर आपको क्वेश्चन आएगा माइंड में कि अगर इनको न्यू इश्यू करने ही थे, अगर इनको न्यू इश्यू करने ही थे तो पुराने शेयर्स को रिडीम क्यों किया? पुराने शेयर्स को ही कंटिन्यू करते ना। अब देखो कर्जा क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने किसी से 2 लाख रुपीस उधार लिए, आपने किसी से 2 लाख रुपीस का कर्जा लिया है। अब आपके पास 1 लाख रुपीस अरेंज हो गए, आप इसके पास गए कि भाई 1 लाख रुपीस हो गए, 1 लाख ले ले, बाकी 1 लाख का इंटरेस्ट लेना। लेकिन ये आपको मना कर रहे हैं, नहीं भाई मैं तो 2 लाख रुपीस पूरे ही एक साथ लूंगा, मैंने एक साथ दिए हैं एक साथ लूंगा। तो अब आप क्या करोगे? आपने 2 लाख रुपीस, ध्यान से समझना एग्जांपल को, आपने एक साल पहले 2 लाख रुपीस उधार लिए, बिजनेस स्टार्ट किया, इस एक साल में आपने 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट किया है। अब आप चाहते हो कि 1 लाख वापस कर दूं ताकि इंटरेस्ट हमारा कम हो जाए, बट सामने वाला मानने को तैयार नहीं, सामने वाला बोल रहा है मुझे 2 लाख पूरे चाहिए। अब आपके पास 1 लाख अवेलेबल है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक इसे 1 लाख रुपीस को एक साल और अपने पास रख दो,
फिर एक साल में 1 लाख प्रॉफिट करो, 1 लाख और प्रॉफिट करो, फिर 2 लाख करके दे दो। बट इस एक साल में आपको पहले वाले को इंटरेस्ट तो 2 लाख देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी और से 1 लाख रुपीज का लोन ले लो, कर्जा ले लो, उस 1 लाख रुपीज में अपने 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट किया है एक साल में वो दोनों मिलाकर उसका कर्जा उतार दो। तो आपने 2 लाख रुपीज का कर्जा उतार दिया, लाइबिलिटी पूरी हो गई। अब जिससे नया लिया है वो कितने का लिया है? 1 लाख रुपीज का। अब उसे 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट देते रहेंगे और 1 लाख रुपीज एक साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी प्रॉफिट हुआ हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो यहां भी कुछ ऐसा है, 2 लाख रुपीज के रिटर्न करने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपीज के न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं क्योंकि उन्हें 2 लाख पूरे एक साथ देने होंगे, तो ये इन्होंने न्यू इश्यू किया है। अब रूल है क्या कि अगर 2 लाख रुपीज, इस रूल को ध्यान से समझना, 2 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने के लिए, मैं यहां से मिटा रहा हूं आप लिखते जाना साथ साथ, 2 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए 2 कंडीशन है, या तो इनके पास प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, कौन सी कंडीशन है, या तो इनके पास प्रॉफिट होना चाहिए, या दूसरा कंडीशन है कि ये न्यू इश्यू कर दे। ध्यान से समझना, आपने किसी से कर्जा लिया है आपको वापस करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पैसा कमाकर उसको वापस करो, ठीक है, या तो किसी और से लेकर वापस करो, किसी और से लेकर उसको वापस करो। सो यहां पर 2 लाख रुपीज कंपनी को रिफंड करने हैं, वापस करने हैं, तो 2 ऑप्शन है, या तो 2 लाख रुपीज का न्यू इश्यू कर दे, या तो दूसरा अपने प्रॉफिट में से रिफंड करे, ये 2 ऑप्शन है। तो 2 लाख रुपीज रिडीम करने के लिए कंपनी ने न्यू इश्यू कितना किया है? 1 लाख। तो बाकी का 1 लाख कहां से निकाला होगा? प्रॉफिट में से। सिंपल है, आपने 2 लाख रुपए का कर्जा लिया, 1 लाख रुपया आपने प्रॉफिट से निकाला, 1 लाख रुपया किसी और से लेकर उसको चुका दिया। सो यहां भी कुछ ऐसा ही है, तो न्यू इश्यू 1 लाख हुआ है तो 1 लाख रुपीज प्रॉफिट में से लिया होगा, लेकिन प्रॉफिट में से लिया है तो इसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी है, ऐसे ही वर्बल नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट में से लिया है। अब प्रॉफिट में से 1 लाख रुपीज लेना है तो प्रॉफिट होता कहां है? तो कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है वो उनके रिजर्व्स में होता है। तो यहां पर देखो इनके रिजर्व्स पड़े हैं, कौन कौन से रिजर्व्स पड़े हैं, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व पड़ा है तो हम वो यूज करेंगे, और अगर जनरल रिजर्व नहीं पड़ा है तो हम पीएनएल यूज करेंगे। सो देखते हैं जनरल रिजर्व कितना पड़ा है कंपनी के पास। सो जनरल रिजर्व का पोजीशन है 80,000, जनरल रिजर्व नहीं हो तो पीएनएल यूज कर सकते हैं। तो अब कंपनी को ये प्रूव करना है कि कंपनी प्रॉफिट में है, क्योंकि प्रॉफिट वाली कंपनी ही कर्जा उतार सकती है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकती है। तो ये प्रूव करने के लिए ये जर्नल एंट्री करनी होगी उन्हें। सो फर्स्ट हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों जर्नल एंट्रीज किए थे। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ड्यू की एंट्री थी, न्यू इन्वेस्टमेंट था एंड न्यू इश्यू था। नाउ फोर्थ एंट्री करने जा रहे हैं, तो फोर्थ एंट्री में क्या है? फोर्थ एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व में से 80,000 रुपीज लिए। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिया। टू सीआरआर अकाउंट, सीआरआर का फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख। अब ये 1 लाख ही क्यों बनाया, मैं फिर से एक बार कंसेप्ट क्लियर करता हूं। 2 लाख रुपीज का रिडम्पशन करना है, अगर न्यू इश्यू 1 लाख किया है यानी न्यू कर्जा लिया है, तो बाकी का सीआरआर कहां से बनेगा? तो सीआरआर प्रॉफिट में से बनेगा, और प्रॉफिट कहां होता है? जनरल रिजर्व में या पीएनएल अकाउंट में। तो प्रॉफिट कितना बनाना पड़ेगा? 1 लाख। अब यहां पर तो 2 लाख का रिडम्पशन करने के लिए 1 लाख का न्यू इश्यू किया है, बट सपोज करो, सपोज करते हैं कि इन्होंने
इन्होंने न्यू इशू किया है 150,000 का। अब 150 का न्यू इशू किया है, सपोज इस समय नहीं दिया हुआ है बट सपोज मैं बताता हूं, 2 लाख का रिडम्पशन करने के लिए, ये 2 लाख इनको रिडीम करने है, रिडम्पशन करना है, उसमें से 150 का न्यू इशू किया है तो ये CRR 50 का बनाएंगे। इट मींस न्यू इश्यू और CRR का टोटल रिडम्पशन होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो इन्होंने 2 लाख रिडीम करने के लिए 1,90,000 के न्यू इश्यू किए हैं तो बाकी 10,000 का CRR बनाना पड़ेगा। सो जितना न्यू इश्यू किया है बाकी का इनको CRR बनाना ही पड़ेगा। तो CRR में 1 लाख रुपीज कहां से आया, क्लियर हो गया आपका कि इन्होंने क्या किया है, 2 लाख रुपीज रिडीम करने के लिए 1 लाख का न्यू इश्यू किया है तो बाकी 1 लाख का CRR बनाना पड़ेगा। तो ये था हमारी एंट्री, कौन सी थी, CRR की, ये हमने CRR बनाने के लिए एंट्री कर दी। अब क्या होगा, हमने ड्यू कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, हमने न्यू इश्यू कर दिया, हमने CRR बना दिया, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना है। सो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री देखो कितना ड्यू किया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 2,10,000, तो अब 2,10,000 का पेमेंट करेंगे। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये हो गया हमारा पेमेंट की एंट्री। सो यहां पर हम लिखेंगे पेमेंट, ना 2 लाख रुपीस के तो प्रेफरेंस शेयर्स थे बट यहां पर 10,000 ज्यादा क्यों दे रहे, तो यह रिडम्पशन प्रीमियम। रिडम्पशन प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे, हमने कर्जा लिया था 2,000 का, 2 लाख का, लेकिन 10,000 एडिशनल दे रहे हैं तो वो हमारे लिए लॉस होगा। अब रिडम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम देखना होता है। तो देखो क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, अगर रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ हो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, लेकिन इस समय सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ है। सो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ हो तो इस रिडम्पशन प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000 टू रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 10,000, ये आप 12th स्टैंडर्ड में डिबेंचर वाले चैप्टर में भी करके आए हो कि रिडम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे बट फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं तो हम एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं। सपोज 10 रुपीज का शेयर 15 रुपीज में हमने इश्यू किया तो वो जो 5 रुपीज है वो प्रीमियम है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहां पर हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं। सो जब इश्यू करते हैं तो एक्स्ट्रा लेते हैं और जब रिडीम करते हैं तो एक्स्ट्रा देते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के सामने राइट ऑफ हो जाने चाहिए, बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने राइट ऑफ करेंगे। सो ये हो गया हमारा रिडम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ कर लिया। सो CRR बन गया, पेमेंट हो गया, रिडम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ हो गया। अब देखा जाए तो यहां तक सम पूरा हो गया, लेकिन आपको एक और पॉइंट दी हुई है। कौन सी पॉइंट, लास्ट 2 लाइन्स रीड कर रहा हूं, द कंपनी इश्यूड 1 इक्विटी शेयर एज अ बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। अब कंपनी जो है वो बोनस दे रही है तो बोनस देने के लिए हम एंट्री करेंगे, और कौन सी एंट्री करते हैं, जो हम बोनस के लिए सीख कर आए हैं। सो बोनस के लिए हमने कौन सी एंट्री सीखी है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, आपका चैप्टर हो गया है। सो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स अगर आपने देखा है तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बोनस के लिए फुली पेड अप शेयर्स को बोनस देना है तो बोनस के लिए जर्नल एंट्री होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर्स। एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अब उसमें रिजर्व्स कौन कौन से हैं, देखिए जर्नल रिजर्व तो इनका पूरा हो गया, PNL भी कुछ यूज कर लिया, बट
बोनस देना कितना है पहले वो कैलकुलेट करेंगे। कितना बोला है, टू शेयर्स के लिए वन शेयर बोनस देना है, ऑन टू इक्विटी शेयर्स वन शेयर बोनस देना है, ऐसा ही कहा है। अब आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना इनका, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख के सामने बोनस कितना देना होगा, सो 2 लाख इंटू 1/2, सो टोटल रुपीज 1 लाख बोनस देना होगा, ये आ गया अमाउंट। अब ये अमाउंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब एंट्री क्या होगी, तो ये एंट्री नंबर 7, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सो रिजर्व में देखो इन्होंने जस्ट अभी ऊपर CRR बनाया था, CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और इस रिजर्व को बोनस देने के लिए यूज किया जा सकता है। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब कितना बोनस का अमाउंट है, 1 लाख रुपीस, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट रुपीस 1 लाख। अभी हमने बोनस ड्यू कर दिया, अब बोनस देना है शेयर होल्डर्स को, बोनस देने के लिए एंट्री ड्यू कर दी CRR टू बोनस, शॉर्ट में कहेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। अब 8th एंट्री करनी है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये जो दोनों एंट्रीज की, ये एडिशनल एंट्रीज है बोनस के लिए, ये दोनों बोनस की एडिशनल एंट्रीज है, अदरवाइज हमारा सम तो 6th नंबर एंट्री तक पूरा हो गया था रिडम्पशन का। अब यहां पर लास्ट में क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब क्या होगा कि इतने सारे हमने इफेक्ट्स दे दिए, अब उन इफेक्ट्स के साथ क्या चेंजेस आएंगे वो हमें करके दिखाना है। तो यहां तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सीताराम लिमिटेड as on 31st March 2019। अब मेरे पास जो बुक है उसमें 31st March 2019 दिया हुआ है, आपके बुक में जो हो वो आप लिखना। अब हाँ, ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनी हुई है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट करवा रहा हूँ जिसे टी शेप कहते हैं। आप अपनी नोटबुक में ऐसे बनाना, टी शेप में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में
लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज होती हैं, राइट हैंड साइड असेट्स होते हैं। जबकि वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या होता है कि ऊपर पहले लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं और नीचे असेट्स आते हैं। जैसे यहां पर लेफ्ट एंड राइट लिखा हुआ है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसमें लाइबिलिटीज ऊपर होती हैं और एसेट्स नीचे होते हैं, ऐसे लिखा जाता है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो एग्जाम में अगर आपको टी शेप है तो आप टी शेप बनाना, अगर आपको वर्टिकल है तो वर्टिकल बनाना। मैं यहां हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, हेडिंग्स वही है, सेम करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। नाउ सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख के पहले से ही इक्विटी शेयर्स थे और इन्होंने 1 लाख और बोनस दे दिया अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएंगे 3 लाख। देखो लास्ट वाली जो एंट्री की थी ना हमने 7th 8th नंबर, उसमें हमने बोनस दिया है। देन प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो 6% प्रेफरेंस शेयर्स थे 2 लाख रुपीज के, वो तो रिडीम हो गए। अब न्यू प्रेफरेंस शेयर्स आ गए हैं 8% वाले, जो न्यू इश्यू की एंट्री थी, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीस 1 लाख, 1 लाख रुपीस के न्यू शेयर्स उन्होंने इश्यू किए थे 8% के। सो शेयर कैपिटल में इतने ही चेंजेस हुए हैं। नाउ रिजर्व्स में आ जाते हैं। सो रिजर्व्स में जनरल रिजर्व पूरा का पूरा 80,000 डेबिट हो गया, पीएनएल में बाकी है। कैपिटल रिजर्व पूरा पड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 40,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बचा? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनके पास कितना पड़ा है, तो इनके पास पड़ा है 70,000। अब इस 70,000 में से आप जर्नल एंट्रीज देखो, ये एक रिजर्व है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां कहां डेबिट किया है और कहां कहां क्रेडिट किया है। अगर क्रेडिट किया है तो प्लस करेंगे, सो 70,000 प्लस करेंगे 12,000, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट कहां से हुआ? ये प्रॉफिट हुआ इनको जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स सेल किए, 70,000 प्लस 12,000 ये हुआ है इनको प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट सेल किए। अब लॉस देखो कहां कहां हुआ है, तो एंट्री नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 20,000 डेबिट किया है एंड एंट्री नंबर 6 में 10,000 डेबिट किया है। सो यहां पर माइनस करेंगे 20,000 और माइनस करेंगे 10,000। प्रॉफिट अगर क्रेडिट हुआ है तो प्लस करना है और डेबिट हुआ है तो माइनस करना है। सो 70,000 प्लस 12,000 माइनस 20,000 एंड माइनस 10,000, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 52,000। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 52,000। लाइबिलिटीज में बुक में और कोई लाइबिलिटी दी हुई नहीं है, सो लाइबिलिटीज में यहां तक पूरा हो गया। अब आ जाते हैं एसेट साइड, तो एसेट साइड में सबसे ऊपर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स 3,40,500, इनटेंजिबल एसेट्स 5,000 में है गुडविल 50,000, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट 1,20,000, इन्वेस्टमेंट्स तो सेल हो गए इनके,
एंड द लास्ट इज करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, तो करंट एसेट्स में बैंक बैलेंस होता है, और बैंक बैलेंस है कितना, करंट एसेट्स वैसे तो इनको अलग दिए दे देने चाहिए बट यहां पर ही देख लेते हैं, 79,500 के बैंक बैलेंस है इनके पास, 79,500। अब पूरा सम देखो कहां कहां पैसा आया है और कहां कहां पैसा गया है। तो सबसे पहले 1,32,000 रुपीज के इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, तो 79,500 प्लस 1,32,000 ये इन्वेस्टमेंट सेल हुए, प्लस करेंगे 1,00,000 रुपीज के न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू किया है, एंड 2,10,000 रिडीम किया है। तो अब इनके पास करंट एसेट्स कितने बचे वो देखेंगे, 79,500 प्लस 1,32,000 प्लस 1,00,000 एंड माइनस 2,10,000, सो 1,01,500 अब हमें टोटल करना है और बैलेंस शीट देखनी है कि टैली हो रही है। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं, लायबिलिटी साइड 3,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000, तो 4,92,000 रुपीज। नाउ एसेट साइड देख ले, 3,40,500 प्लस 50,000 प्लस 1,01,500, सो 4,92,000। सो ये बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। अब वैसे तो बोर्ड पर है इसलिए मैंने लायबिलिटीज और एसेट्स ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया, लेकिन आप पेज में क्या करना है, पेज में पहले आप लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर लो, यहां तक यहां आप लिखना लायबिलिटीज शेयर कैपिटल, सेम ऐसा यहां तक हो जाएगा, फिर ये जो एसेट्स है ना ये लिखना यहां पर एसेट्स, और इसके नीचे आप नोट डाउन करना, तो आपका ये वर्टिकल शेप में नोट डाउन हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो आज हमने फर्स्ट सम सीखा इस चैप्टर में। नाउ आगे होमवर्क, होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 2, नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 11, ये तीन सम आप होमवर्क में करोगे। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहां ही पूरा कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।